तो दोस्तों, गंगोत्री धाम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अब हम पहुंच गए हैं। मंदिर पर दर्शन करेंगे, उसके पहले अलौकिक दर्शन करा देना चाहता हूं भागीरथी का। थोड़ी ही देर में हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां महाराज भगीरथ ने तपस्या करके भागीरथी को मैदान में लाया था राजा सगर के साथ 60,000 पुत्रों को तारने के लिए। यह गंगा आई है मैदानी भाग में। दोस्तों, अगल बगल के दृश्य का यदि आप अवलोकन करेंगे, पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई देगी अथवा नहीं देगी, लेकिन एक बार इन चट्टानों को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिस प्रकार उत्तर काशी के जिला प्रशासन और गंगोत्री के नगर पंचायत ने घृणित कार्य किया है, मैं यहीं से दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ कूड़ा कचरा जलाया गया है, यहीं से अगर आप देखेंगे कूड़ा कचरा जलाया गया है, पन्नी है उसमें, बाटल है और अन्य अवशिष्ट पदार्थ हैं गंगा के किनारे। सीढ़ियाँ बना दी गई हैं अतिक्रमण करके। यहाँ श्री गंगा निकेतन नामक एक यहाँ भवन खड़ा किया गया है। यह क्या काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन यह कूड़ा फैलाता है, कूड़े को जलाता है, हानिकारक गैसों को फैलाता है और गंगा माँ का नाश करता है। इधर वृक्षों को आप देख रहे हैं और यह गंगा का। तभी तो भगवान शंकर को उनका आवाहन करके बुलाया गया कि माँ गंगा जब आएंगी स्वर्ग से यहाँ तो रोकेगा कौन। उनकी जटाओं में गंगा माँ, जो उनकी जटाएं हैं, उनकी जटाओं में लहरा जाती हैं गंगा माँ, उसी में उलझ करके रह जाती हैं जब ब्रह्मा जी के कमंडल से आती हैं। आइए मैं आगे दिखाता हूँ। जी कहाँ दिखाएंगे? पांडव गुफा कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर पांडव गुफा है, क्या है उसमें? वहाँ पहले जमाने में स्वर्ग टाइम पे पांडव आए थे। अच्छा, स्वर्ग टाइम में पांडव आए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पांडव यहाँ आए थे जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद पांडव आए थे और अपने खानदान के लोगों का अंतिम संस्कार यहीं पर किया था। तो आइए, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग नागपुर से आए। नागपुर से, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र की जय हो। जय हो। जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? जय भारत। मेरा नाम करुणा। करुणा? अरे बाप रे, अरे 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 अरे, अब ऐसा मत करिए, दो बार हो गया। आप वहाँ ना करो ना, मत समझो। हाँ अच्छा, कौन सा नाम है? करुणा। करुणा, करुणा, करुणा अवतार, करुणा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामना। करुणा के सागर वाला नाम है। हाँ, कैसे कैसे? हाँ, बहुत अच्छा गा रही है, थोड़ा सा। हाँ हाँ, तुम करुणा के सागर। और मामी? हाँ, तुम पालन करता। हाँ, तुम पालन करता। ये मम्मी है आपकी? नहीं, मामी है। मामी है, मामी है। यूट्यूब में सर बहुत मैंने देखा है, देखते रहते हैं आप तो उस दिन बताए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, शुभकामना शुभकामना शुभकामना। शुभ नाम आपका? और क्या, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यह देखिए, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का मिलन हो रहा है, कुछ गुजरात अद्भुत मिलन हो रहा है। बहुत सुंदर मिलन है, हम पहली बार आए, बहुत सुंदर हो गया है। अच्छा, इस चश्मा कितने मिलता है? बड़ा अच्छा लगा। अपनी जिंदगी में तो पहली बार लगा है हमने भी। अच्छा, कभी, कर रहे हैं। अच्छा, कभी सिने जगत में जाने का प्रयास नहीं की? बिल्कुल नहीं, फिल्मों के क्षेत्र में नहीं है ना, इसलिए जाएंगे। आपको देखिए, इसलिए लगा कि फोटो खींच लिया जाए। ऐसा भी नहीं है। मामी को बोलिए, मामी चलो ना न्यूज वाले, अपन भी फोटो खींचा लिया जाए। चलिए, ब्रजभूषण दुबे डालेंगे, आ जाएगा। ब्रजभूषण, ब्रजभूषण। आइए मैं दिखाता हूँ दोस्तों इधर। और चलता हूँ, बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं गंगा स्नान।
वैसे भीड़ बहुत है, यहाँ भी देखिए गंदे लोगों का कृत देख लीजिए, गंगा साफ कैसे होगी, यह बाटल है, पॉलीथीन है और कचरे हैं, सिगरेट होगा, पन्नियाँ हैं, यह सब गंगा माँ के यहाँ जलाया गया है। इसकी राख आएगी जो रासायनिक क्रिया होगी जलने के बाद, तो सब गंगा में आएगी। तो दोस्तों हम उस पार चलते हैं एक बार। क्या दोस्त कहाँ के रहने वाले हो? उत्तरकाशी का रहने वाले। उत्तरकाशी का क्या नाम है? मेरा नाम जयेंद्र। क्या? जयेंद्रलाल। जयेंद्रलाल, जयेंद्रलाल, बहुत बढ़िया। तो घोड़ा से ले जाते हो? मैं तो गाइड हूँ जी, गौमुख तपोवन ले जाता हूँ। गाइड हूँ। गाइड हो, गौमुख और तपोवन। कितना समय लगता है गौमुख जाने में? दो दिन तो मिनिमम है। दो दिन कहाँ रुकेंगे रात को? भोजबासा 14 किलोमीटर पे है। 14 किलोमीटर पे रुकने लायक है वहाँ? निगम का गेस्ट हाउस है। अच्छा, और फिर वहाँ से तपोवन कितना है? 5 किलोमीटर गौमुख से तपोवन। कहाँ से आप लोग आई हैं? ऋषिकेश। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऋषिकेश से आई है। तो एक दो दिन लगेगा गौमुख जाने में? हाँ जी, हाँ जी। और तपोवन जाने में 3-4 दिन लग जाएगा अप डाउन करने में। और पैदल ही जाना है? पैदल ही जाना है वहाँ, पैदल ही जाना है तपोवन और गौमुख। हाँ जी, हाँ। 4 दिन लग जाएगा आने जाने में कि केवल जाने में? आने जाने, मतलब 2 दिन जाना 2 दिन आना। कितना किलोमीटर होगा वो? 18 किलोमीटर गौमुख है, गौमुख से बाद 5 किलोमीटर तपोवन है। 18 किलोमीटर गौमुख गंगोत्री से और 5 किलोमीटर तपोवन। तपोवन है गौमुख से। फिलहाल इस बार तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अच्छा लगा दोस्तों यह देखा आपने। और यहाँ भी सब अतिक्रमण किया गया है, लगातार अतिक्रमण लोग कर रहे हैं गंगा के नाम पर, तो इसे रोकने की आवश्यकता है, कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। जो कानून बने हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं गंगोत्री माता के मंदिर पर और वहाँ से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का इस वीडियो में नमस्कार।